कहा, स्पष्ट आती हार को देखकर कमलनाथ बौखलाएंगे यह तो मालूम था, पर इतने निचले हथकंडों को अपनाने लगेंगे यह सोचा नहीं था। पहले बंगले से निकले पैसे कार्यकर्ता बांटते नजर आए, जब यह विफल हुआ तो शराब और शबाब, चुनाव में प्रत्याशी की छवि धूमिल करने के लिए चरित्र हत्या और हनन जैसा अपराध। आपके सहयोगी इसमें शामिल हैं, क्या ये वही हथकंडे हैं जिनके बल पर परिवारवाद की बेड़ियों से छिंदवाड़ा को जकड़े रखा? उन्होंने कहा, जीतेगा तो बीजेपी का बंटी साहू ही, अब छिंदवाड़ा की जनता में सिर्फ कमल का फूल और मोदी की गारंटी चलेगा। अपनी स्पष्ट नजर आती हार को देखकर कमलनाथ जी आप बौखलाएंगे ये तो मालूम था, पर आप इतने निचले हथगंडों को अपनाने लगेंगे ये सोचा नहीं था। पहले आपके बंगले से निकले पैसों को आपके कार्यकर्ता बांटते नजर आए, लोकतंत्र को नोटतंत्र से खरीदते नजर आए, जब ये विफल हुआ तो अब शराब और शबाब, एक चुनाव में प्रत्याशी की छवि धूमिल करने के लिए चरित्र हत्या और हनन जैसा अपराध आपने किया है। आपके सहयोगी इस सब में शामिल हैं और पैसों के बदले अगर आप किसी की चरित्र हत्या कर छिंदवाड़ा की जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं तो ये कभी होगा नहीं। क्या ये वही हथकंडे हैं कमलनाथ जी जिनके सहारे आपने बरसों तक परिवारवाद की बेड़ियों से छिंदवाड़ा को जकड़े रखा? अब न पैसा चलेगा, न शराब चलेगी, न शबाब चलेगा, अब सिर्फ छिंदवाड़ा की जनता के सामने कमल का फूल और मोदी जी की गारंटी चलेगा, और जीतेगा तो बंटी साहू ही, आप चाहे कितने भी कुत्सित प्रयास कर लीजिए।